हम लोगों ने लाइन पढ़ लिया था, हम लोगों ने प्लेन पढ़ लिया था, राइट? तो क्या प्लेन सेम मैम। के आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए अपने एनसीईआरटी के? तो यस मैम, हो गए, ठीक यस मैम, हो गए थे लगा। मैम। ठीक है, तो आज का बहुत छोटी सी क्लास हम लोगों ने रखी एक्स्ट्रा से, जिसमें हमने लाइन एंड प्लेन करना है। ठीक है, अगर आपको लाइन आ गई है, प्लेन आ गई है, आप तो मिसमैच करना है। क्लियर है? रेडी सब लोग? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले लाइन एंड प्लेन, अगर बात कैसे करेंगे, अगर सपोज करो आपको दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक लाइन दे रखी है कुछ ऐसे, दिख रही है एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल्स टू फाइव, और दूसरी है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6। ये आपको क्या दे रखा है? ये अनसिमिट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन दे रखी है। वैसे तो प्लेन जैसा दिख रहा है, लेकिन जब मेंशन कर रखा है लाइन में यूज करना है, तो क्या है? अनसिमिट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। क्लियर है? ठीक है जी, यस तो इसको आपको दो चीजों में ट्रांसफॉर्म करना होता है। कैसे करोगे? अगर आपको इसको सिमेट्रिकल में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? सिमेट्रिकल, तो आपको इसके लिए डायरेक्शन रेशियोस चाहिए होंगी लाइन की, राइट? और आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट चाहिए होंगे। एग्री और नॉट? दो चीजें चाहिए होंगी आपको, दे रखा है। वैसे तो आपको पता है कि ये प्लेन की इक्वेशन होती है, लेकिन आपको इसको चेंज करना है लाइन की फॉर्म में, तो आपको बोल रहे हैं कि वो कैसे चेंज करोगे, व्हाट इज द वे। रेडी सब लोग करें। मान लो लेट कि ए बी सी जो है वो आपकी डायरेक्शन रेशियोज है लाइन। रेडी? क्लियर? अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है लाइन की, तो माय डियर बच्चा पार्टी, ए बी सी इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? ए माइनस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू फाइव, जीरो। ठीक है जी, और दूसरी क्या बनेगी? थ्री ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? क्या सबको इनको सॉल्व करने के लिए, यहाँ क्या वो पे इक्वल्स टू 0 की क्या? बोल लेते होते हैं ना कि एक आपको वो लाइन दे रखे, दोनों की डायरेक्शन रेशियोज की क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देते हैं, तो आपको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है सबको, वो 23 12? आता है जी, दो लीनियर को सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे ए बी सी, याद आया कुछ ऐसे? आता है 23 12? नहीं आता, नहीं आता। तो देखिए, बताया था 23 12 मैंने शायद बताया था। सेकंड वाला कोफिशिएंट्स लिखो -1 1, फिर थर्ड के लिखो 2 1, फिर फर्स्ट के लिखो 1 3, फिर सेकंड के लिखो -1 1। आए याद? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 जैसे डिटर्मिनेंट्स में करते थे, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं -2, फिर आपके पास आएगा 6 -1, फिर 1 प्लस 3। क्लियर? तो आपके पास क्या बना? ए अपॉन -3, बी अपॉन 5 एंड सी अपॉन 4। क्लियर है? मैम एक बार दोबारा बता दो, ये मेथड कैसे यूज किया? देखो, इसको हमेशा याद रखते हैं जब भी आपको सॉल्व करना है। 23 12, 23 12 क्या है? कोड है कि सबसे पहले सेकंड वेरिएबल जो भी है उसके कॉन्स्ट कोफिशिएंट्स लिख लो, फिर उसके बाद थर्ड के लिख लो, फिर फर्स्ट के लिख लो, फिर सेकंड के लिख लो, राइट? मैम उसके बाद जैसे आप टू बाई टू का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो ना, डायगनली मल्टीप्लाई, नॉन डायगनली माइनस करके मल्टीप्लाई, सेम यस चीज की है। ओके, मैं समझ गई समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? मैम। इसमें बी के आगे माइनस भी आते हैं क्या? क्या? इसमें बी के आगे माइनस भी आते हैं? नहीं, नहीं आता, नहीं आता। वो आप लोगों की शायद कुछ बुक्स या कहीं आपने किसी और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है, लेकिन सीधा मेथड यही होता है। वो आपको जो माइनस वाला बताते हैं वो किसी और तरीके से करते हैं। क्लियर है? ठीक यस मैम। है जी।
चले आगे। यस मैम। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप किसी आप क्या करो, आपके पास जो तीन इक्वेशन एक्स वाई जेड में दो दे रखी हैं, लेट जेड जीरो के बराबर कर लो। अगर जेड जीरो होगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, और दूसरी बन जाएगी थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। डिटर्मिनेंट में करते थे ना ऐसा, इनको ऐड करोगे तो फोर एक्स इज इक्वल टू टेन हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं इलेवन, तो एक्स की वैल्यू इलेवन बाय फोर आ गई या नहीं। ये वाला स्टेप एक बार बता दो दोबारा आपने। आपको जो दो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी उसमें जेड जीरो पुट कर दिया, हम कोशिश करें एक्स और वाई को सॉल्व कर ले। एक्स आपके पास एलिमिनेशन लगा के इलेवन अपॉन फोर आ गया, यस मैम, तो वाई कितना आ जाएगा, इलेवन अपॉन फोर माइनस फाइव, दैट मीन्स माइनस नाइन अपॉन फोर आ जाएगा बच्चा पार्टी वाई। बताइए यस मैम। जेड जीरो, तो ये आपके तीनों जो है ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एक आपने ऑलरेडी चीज निकाल ली कि a अपॉन माइनस थ्री, बी अपॉन फाइव, सी अपॉन फोर, ये आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गई। तो क्या आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार नहीं हो गई, x माइनस इलेवन अपॉन फोर अपॉन माइनस थ्री, y माइनस माइनस प्लस नाइन अपॉन फोर अपॉन फाइव, एंड जेड माइनस जीरो अपॉन फोर, बताओ क्लियर है। यहाँ पे अपनी x माइनस x वन और y माइनस y वन कराया ना, आई लाइन की इक्वेशन लगा दी मैंने। ओके मैम, क्लियर है जी। ये तरीका है कि कैसे सॉल्व करना है बताओ। हाँ गया मैम। ओके, अब आपके पास अगला आता है एंगल बिटवीन, जो कल मेरे को लास्ट क्लास में सब पूछ रहे थे मैम, साइन थीटा भी तो होता है, तो जब एंगल बिटवीन दो लाइंस है तो भी कॉस थीटा, एंगल बिटवीन दो प्लेन्स है तो भी कॉस थीटा, जब दोनों अलग अलग है लाइन एंड प्लेन तब कौन सा एंगल लेंगे, साइन थीटा। मान लो कि लाइन आपको दे रखी है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ऐसी क्वेश्चन थी लाइन की, और प्लेन आपको दे रखा है आर डॉटेड विद एन इज इक्वल टू डी, क्लियर। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी, बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। अब सबको बी और एन तो पता ही है कैसे निकलते हैं, क्लियर। यस मैम। यस मैम। सबको, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर थीटा 90 होगा तो आपकी जो ये रेशियोज होंगी ये इक्वल हो जाएंगी, दैट मींस अगर बी वेक्टर कोई आपके पास था, सपोज करो बी वेक्टर आपके पास था एल आई एम जे एन के, ठीक है जी, एंड जो एन वेक्टर था लेट इट बी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो थीटा 90 होगा तो आपको पता चल गया एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी, क्लियर है। और सेम उल्टी कंडीशन लग गई ना, और अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो आपको क्या पता चल जाएगा कि b डॉट n किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी, 0 के। मैम 90 डिग्री है तो मतलब दो वेक्टर का डॉट होना चाहिए ना, तो l डॉट a होना चाहिए शायद, क्या मैम, जैसे इसमें थीटा 90 डिग्री है और दो वेक्टर गिवन है हमको, तो मैम डॉट करके 0 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे ये अलग क्या किया आपने, मतलब उल्टा केस नहीं लग रहा आपको कि जब थीटा 90 होगा, थीटा 90 का मतलब क्या होगा, साइन 91 यानी कि जो आपके ये दो पैरेलल है, अगर आप सोचो ना एक लाइन जा रही है, इसका ये लाइन है ठीक है, इसका ये एन वेक्टर है प्लेन का, ये प्लेन का एन वेक्टर है, अगर लाइन भी इसके परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन है बी वेक्टर, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो पैरेलल वाली कंडीशन ही लगाई है अपन ने, इसका मतलब लाइन एंड प्लेन पैरेलल हो गए, यस सर, ठीक है जी।
और अगर आप बोल रहे हो कि ये प्लेन है, ये इसके 90 डिग्री है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ आप जो लाइन और प्लेन, लाइन का प्लेन के साथ एंगल 0 डिग्री है, मीन्स वो उसी के साथ लाई कर रही है, तो इन दोनों में एंगल अगर 0 है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर और इसमें एंगल तो 90 होगा ना, उल्टा चल रहे हैं अपन, क्लियर ओके है? प्लेन, आप प्लेन सोच पा रहे हो, लेकिन प्लेन का काम नॉर्मल वेक्टर से चलता है, क्लियर है? यस मैम, तो अगर आपको क्वेश्चन दे दें, अगर माय डियर बच्चा पार्टी आपको क्वेश्चन दे दें कि एंगल निकालना है, आपको दे रखा है आर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्बडा टाइम आई माइनस जे प्लस के, ठीक है जी, और प्लेन ले रखा है आर डॉटेड विथ 2i माइनस j प्लस के इज इक्वल्स टू 4, क्या आप इनका एंगल निकाल सकते हो? यस मैम। निकाल दो फटाफट से। फोर अपॉन रूट 18, फोर अपॉन रूट 18। 4/√18, और 18 में से भी क्या कुछ कॉमन आएगा? हाँ 3 आ सकते हैं वैसे। हाँ, तो वो आप इसको लिख सकते हो ना, इसका यस आपके पास बना होगा, साइन थीटा इज 4/√18 है ना, तो 4/√2 बना, थोड़ा और सही कर लेते हैं तो 2√2/3 बन जाएगा, क्या कहते हो? √2/3 मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? हाँ मैम जी जो रूट आपने सॉल्यूशन बताई थी 90 और 0 वाली, वो मतलब अप्लाई कर करना है बताया होगा मैम, उसमें। ये देखो मैं क्वेश्चन बताती हूँ, देखो अगर आपको ये देखा है कि लाइन है एल इज इक्वल्स आर इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम 2i प्लस j प्लस 2k, ठीक है जी, इस पैरेलल टू प्लेन, ठीक है, प्लेन के पैरेलल है आर डॉटेड विथ 3i माइनस 2j प्लस mk इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब ये देखो आपको आपको m इवैल्यूएट करनी है, क्लियर? तो अब आपको पता चला क्वेश्चन थोड़ा सा जो ये है ना थोड़ा सा टीडियस है, आपको लाइन और प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल होती थी या परपेंडिकुलर होती थी तो आपको पता था कि डायरेक्टली आप b में बात करते हो, राइट? अब यहाँ पे हम जो बात करें, हम बोले कि इस लाइन जाने की ये लाइन उस प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका जो बी है और इसका जो एन है वो परपेंडिकुलर है, बोलिए क्या बात क्लियर हुई? तो क्या माय डियर आपको ये सीधा पता चला कि बी मतलब एन 0 होगा? हाँ जी ये जो दो लाइन पैरेलल है तो उनका जो डॉट होगा उसमें 0 होगा, है ना? आपने जैसा राइट बताया हाँ, उल्टी कंडीशन है, अगर एक लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है इसका मतलब जो लाइन की डायरेक्शन रेशियो है वो आपके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ओके मैम। क्लियर हुई बात सबको? यस मैम। तो 6 माइनस 2 प्लस 2 m इज इक्वल्स टू 0, तो 2 m इज इक्वल्स टू -4, तो m की वैल्यू -2 आ गई, मैम वो 14 ही यूज करोगे वहां पे, जो क्या अपन एम जो इक्वल टू में 14 दे रहा था वो नहीं यूज करोगे? को चाहिए नहीं, अपन को तो b और n चाहिए बस, ओके मैम। और हमें पता है कि एक लाइन में से b वेक्टर ये होता है और n वेक्टर ये होता है, बस बाकी कुछ भी हो, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे आ जाए कि शो करो, शो लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो आप क्या शो करोगे, कैसे शो कर दोगे कोई लाइन पैरेलल है प्लेन के? बस आप बी डॉट एन को 0 प्रूव कर दोगे, यस मैम। मतलब एक्चुअली में आप लोगों के दिमाग में सबके स्ट्राइक ये कर रहे हैं कि पैरेलल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होती,
यहाँ पे उल्टा केस लग रहा है, सोच पा रहे हो? यस मैम, क्योंकि हमारे माइंड में जब पैरेलल आ रहा है तो हमें लग रहा है एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे लाइन और प्लेन दोनों का रिलेशन अलग अलग हो गया। हाँ जी भास्कर, रोहित, प्रशांत, यस मैम। समझ पाए? चलें आगे। ठीक, यस मैम। क्योंकि लाइन एंड प्लेन में बस ये छोटी छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन करना है। यस मैम। देखो, आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है जी, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू -1 2 0 और दूसरा पॉइंट है 2 2 -1 एंड पैरेलल टू, पैरेलल टू लाइन x -1/1, 2y+1/2, z+1/-1। हाँ जी, सोचिए। क्या सोच पाए? हाँ मैम, इसका आंसर r.i_(2j)-(k)=4 है। मैम, क्या दोबारा बोलना? r.i_(2j)-(k)=4 नहीं, नहीं। ये देखो, आपका मतलब क्या है कि एक प्लेन बना लो, छोटा सा प्लेन बना सकते हो सोचने के लिए। ये प्लेन है, ये प्लेन जो है किसी लाइन के पैरेलल है, राइट? ऐसा ही बोल रहे? दिस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन। अगर कोई लाइन है यहाँ पे, उस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपको 1 2 -1 दे रखे, एग्री? यस मैम, और यहां से इसका नॉर्मल वेक्टर जा रहा होगा, ये एन वेक्टर है, वन ये एन वेक्टर है। तो एन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू i_(2j)-, कितने है? इसका माइन -1 1 1 -1 है ना क्या? लाइन के DR। हाँ, 1, ये लाइंस यही लिखी है, सही लिखी है, 1 2 -1 ही होगा, सही तो है, -k यही होगा, बताओ क्लियर है इतना? एन जो है इसके परपेंडिकुलर है, हाँ के यस ना? मैम। ठीक है, अब फर्दर क्या सोचोगे? अब आपकी जो लाइन है यहाँ पे कोई 2 पॉइंट से पास कर रही है, वो 2 पॉइंट आपको गिवन है, ये ए है ये बी है,
राइट right? तो क्या आप बोल सकते हो कि जो एन वेक्टर होगा वो ए बी का क्रॉस, जो आपका बी वेक्टर दे रखा है ये वाला, इसके साथ कर लो तो आपको एन मिल जाएगा। हाँ ना, इसके बाद आपको पता ही है आर माइनस ए डॉटेड विद एन इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? मैम एक बार होता तो हाँ जी, वो कहते कि आपका जो प्लेन है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, ए और बी, ठीक है? तो अगर आपका कोई प्लेन, और ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, अगर आप इन दोनों का और जो आपको डायरेक्शन रिलेशन लाइन के दे रखे हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो आपके पास एन वेक्टर आएगा, यस मैम, दो क्योंकि वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर प्रोडक्ट वो होगा करते वो हैं। दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर यस मैम, है? यस मैम, यस मैम। बन जाएगा मैम वो जो आर माइनस ए वेक्टर था, कौन सा? ये जो नीचे आपने लिखा है आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन, तो इसमें ये ए वेक्टर कौन सा पॉइंट पहला लेना है ये? पॉइंट, ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट। ओके मैम। चले, अब इसके बाद आपके पास आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये क्वेश्चन आपने शायद कहीं देखे होंगे, लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। दो प्लेन की पता है, दो लाइन की पता है, तो याद आ गया होगा राइट? एक लाइन दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन एल, y माइनस वाई वन अपॉन एम एंड z माइनस जेड वन अपॉन एन, और एक प्लेन दे रखा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये तो सबको क्लियर है ना, क्या लाइन है क्या प्लेन है? यस मैम। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, क्या कहते हो? ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, l लैम्डा प्लस x वन, y कितना आ जाएगा, m लैम्डा प्लस y वन, और z कितना आ जाएगा, n लैम्डा प्लस z वन। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे पुट कर दो, क्या लैम्डा सॉल्व कर लो? यस मैम। लैम्डा आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एग्जांपल ले। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो आपको इंटरसेक्शन निकालनी है, लाइन है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, वाई प्लस वन अपॉन फोर, जेड माइनस टू अपॉन 12, और आपके पास प्लेन है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। रेडी? लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, तो एक्स कितना आ गया, 3 लैम्डा प्लस 2, वाई कितना आ गया, 4 लैम्डा माइनस 1, और जेड कितना आ गया, 12 लैम्डा प्लस 2। क्लियर है? ये सब यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 3 12 12 15 15 माइनस 4 11 लैम्डा, 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 0, यही बना जीरो मैम। यस मैम। इस टू 0, तो लैम्डा सबके पास 0 आ गया या नहीं? यस मैम। तो लैम्डा को कहाँ पुट करोगे, इसमें? तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बना, 2 माइनस 1 2। टू माइनस वन टू क्लियर? यस मैम। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है? ठीक नो मैम। है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर अ लाइन 2
टू लाई ऑन अ प्लेन। राइट, तो क्या कंडीशन होगी अगर आपको चेक करना हो कि कोई लाइन किसी प्लेन पे लाई कर रही है? आपके पास एक प्लेन हो, लाइन होगी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और एक प्लेन होगा आर डॉटेड विद एन इज इक्वल टू बी। एग्री? यस मैम। तो बच्चा पार्टी, जो कंडीशन होगी, दो चीजें आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आप बोलते लाइन प्लेन पे लाई करती है। पहली है कि बी डॉट एन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ? B डॉट एन जीरो होने का मतलब लाइन और प्लेन पैरेलल है। यस मैम। दूसरा कि जो A डॉट एन है वो D के बराबर होगा, यानी कि जो लाइन का पॉइंट है वो आपके प्लेन को सेटिस्फाई करते है। अगर ये दोनों कंडीशन एग्री हैं तो आपकी लाइन प्लेन पे लाई करती है। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। फिर एक आता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस एंड इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। यस सर, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्या है, प्लेन कंटेनिंग दैम, जाने की दो लाइंस और प्लेन एक ही उसमें लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो कैसे कोप्लेनर शो करते होते हैं? याद है, डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। Yes, तो अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और आपको आर दे रखी है ए टू प्लस लैम्डा बी टू। राइट? यस मैम। तो अगर आपके इसके पॉइंट्स होंगे, लेट इट बी इसके पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, और इसके पॉइंट्स होंगे x2 y2 z2। क्या करते हैं, यही होंगे ना? और ये आपके पास होगा l1 m1 n1, और ये आपके पास होगा l2 m2 n2। क्लियर? तो आप करोगे क्या, आप बोलोगे कि जो मेरा डिटर्मिनेंट है पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, l1 m1 n1 l2 m2 n2, तो इनका डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो आप बोलोगे कि जो लाइंस है वो सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? Yes. और अगर इक्वेशन, क्या मैं इसका एक बार एग्जांपल करा दूं क्वेश्चन का? हाँ, मैं करवा रही हूँ। और अगर आपको इक्वेशन बनानी हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी हो जो ये दोनों लाइंस को कंटेन करे, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता है x माइनस x1 कर दो, y माइनस y1 कर दो, z माइनस z1, l1 m1 n1 l2 m2 n2 is equals to 0। क्लियर है मैम? ये उस प्लेन की इक्वेशन है जिसमें ये दोनों दोनों लाइनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपन ने दो चीजें की ना, ये तो होगी कि दो लाइंस को प्लेनर है, और ये होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो ये दोनों लाइन को कंटेन करेगा। अब देखो क्वेश्चन, शो करो कि आपके पास जो लाइंस है आर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स थ्री आई माइनस जे, ठीक है जी, और दूसरी है आर इज इक्वल्स टू फोर आई माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स टू आई प्लस थ्री के। राइट? इनको शो करो कोप्लेनर है, क्या कर दोगे? यस मैम। क्या करोगे? आपको पता है कि फोर माइनस वन थ्री, फिर जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस जीरो, फिर आपके पास आएगा थ्री माइनस वन जीरो, और आपके पास आ जाएगा टू जीरो वन। और इसको देख के ही पता चल गया आपको, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर दो रोज एग्जैक्टली सेम हो, हमने की थी प्रॉपर्टी, इसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो देयरफॉर कोप्लेनर। एग्री? यस मैम। और अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी होती परेशान, तो क्या बनती मैम? एक्स वाइनस एक्स में जाता हूँ, एक्स माइनस वन
वाई माइनस वन जेड प्लस वन, फिर थ्री माइनस वन जीरो, टू जीरो वन, बस इसको सॉल्व करो, क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो no. डन? यस मैम. वन क्यों आ रहा है लास्ट वाले में? थ्री आना चाहिए. थ्री है, थ्री है, थ्री है, सॉरी थ्री है. ठीक है. बस क्यू लाइंस तो आप लोगों को आती हैं, दो लाइंस क्यू लाइंस में डिस्टेंस निकालना आता है सबको. यस मैम. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू क्यू लाइंस. यस मैम. ठीक है. कुछ पूछना है किसी को? यस मैम, मैंने पूछो. कुछ भेजा आप लोगों ने मेरे को? भेजो फिर हाय हेलो करके. मैम अब डाउट सेशन स्टार्ट है, बस इतना ही पढ़ना. डीपीपी का ये तो हो गया. It was all around. इतना ही था, मैंने आपको बताया था टॉपिक बहुत छोटा है. हो गया ना, सबको समझ भी आ गया? इसके बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास? नहीं है मैम. चलो मैं भेजूंगी इसे. ये कौन से वाला करना है मैम? मुझे जो एसेशन पे लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना है. मैम फर्स्ट पार्ट तो ये वाला. यस मैम, वो जो ऊपर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन. अच्छा, वो जो आपने स्क्रीनशॉट. तो आपने दिया डी अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन करनी है जीरो से एक्स स्क्वायर तक, डी एक्स अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन. ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है ना? यस मैम. और नीचे फॉर्मूला यही होता है? नीचे तो यही होता है पापा. तो फिर क्या दिक्कत थी मैम? फिर आप एक बार वो आंसर चेक कर लीजिए जो मैंने भेजा, उसको आगे फिर कैसे सॉल्व करना है. आपने मुझे आंसर कोई और भेजा, क्वेश्चन कोई और भेजा? मैम वही भेजा. नहीं, आपने मुझे एक वो भेजा ना जिसमें आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का. यस मैम. और नीचे आपने मुझे, अच्छा अब ठीक है. तो आपने इसको ऐसे किया होगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x स्क्वायर. तो इसकी इंटीग्रेशन भी करके, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना? एंटी डेरिवेटिव नहीं हो गया? पता नहीं. Just give me recording, keep stopping.